वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एमसीए बीसीए रिवाइज सेगमेंट एग्जामिनेशन जून 2023 एमसीए 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 4A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है। राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर्स टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी इफ बेसिक डीए टीए एंड डिडक्शन आर गिवन एज इनपुट। और ये आपका 10 मार्क्स का देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, बस आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का यूज करना है, राइट। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड folio.h void main, मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन लिख लेते हैं और गेट सी एच फंक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और हम यहाँ पर जी एस और नेट सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने स्ट्रक्चर का नाम जी एस नेट लिख दिया और यहाँ पर हम जो जो वेरिएबल्स हमें जरूरत पड़ने वाली है उसको हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। हमें यहाँ पर सपोज ग्रॉस सैलरी की जरूरत पड़ने वाली है जी एस कॉमा नेट सैलरी कॉमा बेसिक कॉमा डी ए कॉमा टी ए और कॉमा डिडक्शन, राइट। इतने वेरिएबल्स की नीड हमें पढ़ने वाली है, तो हमने ये वेरिएबल्स हमने अपने स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कर लिए और यहाँ पर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एस नाम से। और अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, राइट। हम यहाँ पर यूजर से इनपुट कराएंगे, पहले मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ एंटर बेसिक सैलरी तो यूजर यहां पर बेसिक सैलरी इनपुट कर देगा, राइट। स्कैन एफ करा लेंगे परसेंट डी एम परसेंट बी ए एस बेसिक सैलरी इनपुट हो जाएगी। फिर प्रिंट एफ एंटर एंटर डी ए कॉमा टी ए एंड डिडक्शन एक साथ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर स्कैनर यूज करेंगे। अब क्योंकि हमें तीन इनपुट लेने हैं, तीनों इंटीजर टाइप के, परसेंट डी तीन बार लिखेंगे और कॉमा। पहला इनपुट हमारा डी ए के लिए होगा तो एम परसेंट डी ए कर लेंगे, दूसरा इनपुट हमारा टी ए के लिए होगा और तीसरा इनपुट हमारा डिडक्शन के लिए होगा, राइट। और ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी हम इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। बस इसमें ध्यान रखिए यहाँ पर जो आप बेसिक सैलरी इनपुट कर रहे हैं, राइट, उसको आप डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, आप यहाँ पर एस डॉट लिखेंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आप एस डॉट डी ए करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मेंबर स्ट्रक्ट का है, एस डॉट डी ए करेंगे और एस डॉट डी ए कर डिडक्शन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करते हुए इनपुट ले लिया। अब आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी एस डॉट जी एस करेंगे वो कैसे हो जाएगी, एस डॉट डी ए या बेसिक कर लीजिए पहले बेसिक प्लस एस डॉट टी ए प्लस एस डॉट टी ए,
ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, राइट। और जब आप नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो एस डॉट एंड एस ए एल लिख लेंगे, जो भी आपने वेरिएबल नेम किया है। और इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपकी जी एस आई है उसमें से आप डिडक्शन को माइनस कर देंगे, राइट। तो ये आपकी नेट सैलरी बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर आप प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ ग्रॉस सैलरी जी आर ओ एस एस ग्रॉस एस ए एल ए आर वाई ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू परसेंट डी हो जाएगा आपका, कॉमा एस डॉट जी एस कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट टैब लिख लीजिए और यहाँ पर नेट सैलरी कर लीजिए। नेट सैलरी इज इक्वल्स टू परसेंट डी और कॉमा एस डॉट एन एस ए एल कर लीजिए, राइट। आप यहाँ पर बैचलर्स एन यूज कर लीजिए ताकि जो आउटपुट आए वो न्यू लाइन से आए, लास्ट में करने की जरूरत नहीं, अगर आप करना चाहें कर लीजिए, राइट। ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब आप इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करा लीजिए, कंट्रोल एफ नाइन। तो देखिए आपसे बेसिक सैलरी इनपुट मांग रहा है, तो सपोज हम यहाँ पर 1000 दे देते हैं, राइट। तो देखिए डी ए टी ए और डिडक्शन मांग रहा है, डी ए मान लीजिए हमारा 500 है, टी ए हमारा मान लीजिए 400 है, डिडक्शन मान लीजिए 250 है, राइट। तो देखिए जो ग्रॉस सैलरी बन गई वो हमारी हो गई 1900, 1000 बेसिक सैलरी, 500 डी ए, 400 टी ए, राइट। और जब नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे, तो डिडक्शन जब आप 1900 में से 250 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1650। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप अपने पेज से कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।